नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को भी नियमित जमानत दे दी। कोर्ट ने दोनों को 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कागजों की जांच के लिए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की गई है। ब्रजभूषण पर 6 बालिग महिला पहलवानों के यौन शोषण का केस चल रहा है। इस केस में पुलिस चार्जशीट पेश कर चुकी है। कोर्ट ने ब्रजभूषण को जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई। कोर्ट ने कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। सुनवाई के दौरान पीड़ितों के वकील ने जमानत दिए जाने को लेकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि सांसद राजनीतिक रूप से ताकतवर है और वह गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, लिहाजा उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, वहां आरोपी कोर्ट से जमानत लेने का अधिकारी है। ब्रजभूषण भी कोर्ट में मौजूद रहे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि वह न तो जमानत का विरोध और न ही उसका सपोर्ट कर रही है। कोर्ट ने 18 जुलाई को ब्रजभूषण और संघ सेक्रेटरी विनोद तोमर को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत के दिन सुनवाई में ब्रजभूषण के वकीलों ने दलील दी थी कि दिल्ली पुलिस ने बिना जांच के चार्जशीट दायर की है। इन केसों में 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान भी नहीं है। कोर्ट ने जब जमानत के बारे में पूछा तो दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन जमानत की शर्त होनी चाहिए, जिस पर कोर्ट ने रेगुलर के बजाय अंतरिम जमानत दी।